प्रातः हरी सब्जी खरीदता हुआ एक युवक। हाँ, गोभी, मिर्च और एक चीज हो रहा है, मैं उसका नाम भूल गया, इसे क्या बोल रहे हैं, चकुंदर। और ये देखो यार, तुम बड़े शहरों के चूंचले, गन्ना किस तरह से अलग से सब्जियों में बिकने के लिए रखा, इस पन्नी में इतना वजन जितना कि तुम्हारी दादी में भी नहीं है। गेट भी पैर से खोलना पड़ेगा। वाह, कितनी शांति है मैम, क्योंकि अभी सुबह के सिर्फ 9 बजे हैं और लड़के अभी सो रहे हैं। हियर वी गो। सुबह सुबह उठ के घर के काम निपटाने लगो तो बहुत ही अच्छे बच्चों वाली वाइब आवे। सुबह सुबह 3 यंग एंटरप्रेन्योर्स के घर में खुशहाल माहौल, सब टाइमली अपने काम पे लग चुके और रचित का शेड्यूल इतना सुधर गया कि वो रात 3 बजे सोया था और सुबह 7 बजे उठ गया। यार अब वही हो, अब तेरी तरह बोल लगा मुझे 11 बजे तक नींद आ रही है। हां भाई, बहुत मुश्किल बैठे हैं फिर। घर 5 दिन का सो लिया ढंग से, लेकिन जीवन साधुओं वाला नहीं है क्या ये बता? यूं लगे यार, रात में काम हो जाता लेकिन शूट वूट के लिए रात ही ठीक रहे। रात सही रहे शूट के लिए, स्टूडियो में तो दिन में अजीब सा हुआ रहा है, धूप सी आ गई। और एक चीज हो रहा है कि पर इसमें यार सियाप पे छोड़ने पड़े हैं रात में जल्दी सोने के लिए, फोन चला लो और चैट कर लो। ठीक लगा यार मुझे तो, मैं रात में फोन नहीं चला रहा। हाँ, कुछ फर्क नहीं पड़ा, लाइफ मस्त नहीं जा रही, फूलती भी जा रही। खेलेंगे नी जट आज, खून दिया होलिया, खेलेंगे तो आज तो शूट डे है, बिग डे, पूरे आए माइक तो पूरे चार्ज है ना भाई, मालेंडर में जो चीज रहेगी वो तो पूरी मिलेगी। रेस्पॉन्स ऐसा है कुछ ढाका के चैनल को जो सोचा नहीं था, लेकिन मैं तुझे बताऊं, इन लोगों का दिया हुआ नहीं है रेस्पॉन्स, वो कमाया वो टैलेंट है अपने दम पे। जब ज्यादा व्यूज थोड़ा पैरामीटर से बाहर चले जाए तो लोग उठे चंद दिखाने लगे, जब थोड़े से ढंग से व्यूज आ जाए ना तो और कॉन्फिडेंस आ जाए सच में बहुत ज्यादा। ये करियर भाई 12 घंटे का हुआ है, ऋतिक रोशन ने कहा था जब कोना प्यार है रिलीज हुई थी ना तो 9 बजे तो मैं कॉमन मैन था और 12 बजे बन गया था मैं सुपरस्टार। अब जैसे पठान रिलीज होगी, शाहरुख खान का वो डिसाइड करेगी कि वो 9 बजे तक तो सुपरस्टार रहेगा, पर 12 बजे पता लगेगा कि सुपरस्टार बना रहेगा या फिर आमिर खान की तरह हम नहीं करेगा। पेट एक ही चीज डिसाइड करता है तुम्हारा, पर यार कहना उन लोगों के पास कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, समझ रहा ना, हिसाब किताब वाली, हिसाब किताब मोटा होगा, पर कहना आदमी को जितना मिल जाए उतना कम नहीं यार, मतलब 12-15 करोड़ तो मैं भी डिजर्व करूंगा। नहीं चिन्नी एक दूसरे की छत्ती से डाल लियो, चाय के भिगोने में लगा, एक की छत्ती चाय के भिगोने में लगाई, फिर चिन्नी डाल लिया। मैं तुम्हें 2 लाख रुपए दूं अभी, 2 तुझे और 2 तुझे, तो तुम किस कर लोगे लिप्ट के? मैं कर लूंगा 2 लाख का, मैं कर लूंगा। एक सुन, मैं तुझे 10 लाख रुपए दूंगा, एक बार सोसाइटी में नीचे जहाँ गार्ड बैठा है ना, नंगा जाना लिफ्ट में खड़े हो गए, वहाँ हाथ लगा के भाग करना। रात के 12 बजे से सुबह के 7 बजे तक नहीं अलाउड है, बाकी उसके अलावा किसी भी टाइम कर ले, और अगर शाम के 6 बजे कर दिया तो पैसे भी दुगने हो जाएंगे, 20 लाख रुपए। 10 बजे बाद सर्दी हो रही, कोई निकलता नहीं, 10 से 12 के बीच में। अच्छा, सारा दारू गैंग वहीं मिलेगा लिफ्ट में। मैं बता रहा, जिमने से जा, जिमने से कोई जाता लिफ्ट का भाई। अब तो नई वाली लिफ्ट बन चुकी, इसमें कोई आता नहीं, नहीं ये तो चले जाओ ना, ठीक है। तो फिलहाल दिक्कत ये आ रही कि जो हमारा ये वाला स्पेक्स है ये कैमरा में बहुत ज्यादा रिफ्लेक्ट कर रहा, मतलब इसमें लाइट पड़ के इसमें नीली नीली सी वो आने लग जा रिफ्लेक्शन, जो कि बुरी लगे, वो ऐसा लगे जैसे शिनचैन के प्रिंसिपल का चश्मा चमकता रहे ना हर टाइम। तो इसीलिए अभी एक नया फ्रेम लेने जाना पड़ा इंस्टेंटली वीडियो रिकॉर्डिंग के बीच में ही। मुझे लगे रेड लाइट में ग्लिच आ गया बहुत देर से, अभी 1 सेकंड दिखा रहा था और 1 ही सेकंड नहीं हुई अब तक, हो गई। यह है मेरा नया फ्रेम विद ट्रांसपेरेंट ग्लासेस, और ये ग्लासेस एक ऐसे उस पर काम कर रहे हैं, ऐसी टेक्नोलॉजी पे कि ये इनविजिबल हैं, कोई मेरी आंखें फोड़ना चाहे तो सामने से ऐसे फोड़ सके। इनके लेंस मैंने अभी निकाल दिए, बाद में बनवा लूंगा जब जरूरत पड़ेगी तो। और वहाँ मैंने पिछले जैसा सेम ही लिया क्योंकि मुझे ये वाला फ्रेम अच्छा लगा यार, बाकी फ्रेम मेरे फेस पर जमते नहीं। ये मेरा पुराना फ्रेम और ये नया। हाँ भाई, इसने जीवा रखे वो भाई, रे किसी दिन रात को यहाँ मरवा देगा, रात को चला।
गेट खोल दे भाई, वो कहाँ दबा मारा जाएगा तू। लेकिन फ्लैट भी तो बाहर से बंद ही है, फ्लैट में खुद ऑक्सीजन नहीं है। हम तो छोटे कमरे की बात हुआ करे या वीडियो तो मैं फिर ब्लैक एंड व्हाइट पे चलाऊंगा। कहता था बड़े कमरे की बात नहीं हुआ करती, छोटे कमरे की हुआ करे। नहीं चल रही धवन से यूं कहे कि गाड़ी आराम से चलाया कर, एक एडवाइस है। ये तेरी वीडियो एज एन एडवाइस यूज होगी। पापा ये तो छोटे छोटे की बात हुआ करे, बड़े नहीं बैठे वो थारे चित यूट्यूब करे करे था। रात को कंबल बम्बल सब जला मारे थे उनने, पानी फेंकते दिखेगा पर तो पता लगेगा बाल्टी कितनी देर में भरे इन टंकियों में, नमक का पानी वैसा और आग पकड़ेगा। मेरे पास बोलने के लिए कुछ है नहीं, मैं इतना बोल दिया ना तीसरी वीडियो में, मेरा थूक सूख गया सच में। खाने में क्या मंगाया? हाँ लेकिन एनर्जी वापस लानी पड़ेगी। ग्रेवी वाली चाप और तंदूरी चिकन। मतलब हम रोटियों के साथ क्या खाएं, दिक्कत तो है बंदी। एक तो करेला बनवाया हुआ और चिकन के साथ करेला खा सके? करेला तो बड़े भाई अचार है ना यार। मुझे बैचलर लाइफ अब लुभा नहीं रही, अब मुझे एक वेल सेटल्ड पार्टनर के साथ लाइफ जो है शुरू करनी पड़ेगी बहुत जल्दी। वो तो तुमने शादी.com पे देख लिया कि अब कितने कितने अब जॉब छोड़ आया तो कितने चांसेस हैं, जो कल वाली वीडियो में देखा तो भी मारी उसमें ही आ गया कैटेगरी में। अब तक सही था, हमारे से ऊपर आ गया, हम तो फिर भी चलते हुए चैनल पे। दो लड़के लेने पड़ेंगे प्रेम माँ इस जगह से। मुझे अपना रेगा तो कुछ अलग ही दिख रहा, मुझे ऐसा लग रहा हमें दोनों को कोई कोचिंग करनी पड़ेगी। कोचिंग देनी पड़ेगी भाई, 20-25 करवानी पड़ेगी, कोचिंग करवानी पड़ेगी। और वो भी तीसरी चौथी के बालक मैक्स, उससे ऊपर तो सारे पढ़ाई बन जाने, वो भी कोर्स LCM HCF भी हार्ड है इस टाइम। गुड न्यूज, आई एम प्रेग्नेंट। नहीं, खाना आ गया हमारा और मैं खाना लेने जा रहा। चलो निहाल, मैं ऑडियंस को अपनी फेक एनर्जी दिखाऊंगा। इवन दो मैं रियल लाइफ में बहुत एग्जॉस्ट परेशान और लॉस्ट हूँ, लेकिन मैं इंटरनेट पे एक पॉजिटिव पर्सनैलिटी बन के दिखाऊंगा ताकि मुझे ज्यादा व्यूज आ सके। जल्दी चलते हैं। चलो भाई, खाना आ चुका है भाई, खाना आ चुका है। चूल्हा खोल लो, फुलके सेक लो, फुलके सब सिखाए रखे। ए बच्चे, ये तो सीले पड़े हैं भाई। खाना लग चुका, क्या ही चल रहा। अभी दो दिन बाद नए चैनल पर डालनी, आज तुमने डाल ली, परसों तू फिर डाल रहा, 10 तारीख में फिर डाल रहा। रे ने आज अपने दूसरे चैनल पर डाल ली, परसों वो अपने मेन चैनल पर डाल लिया, कल पिछले बीते हुए कल में उसने अपने मेन चैनल पर रिटायरमेंट ले लेंगे 30 जनवरी को। भाई इतना काम करके तो 2 करोड़ रुपए आने चाहिए यार। 2 करोड़ कैसे कमाए जाए? 2 रुपए दो आ रहे हैं, उसमें से 1.5 रुपए अजय भैया ले जाना, बाकी रेंट में चले जा। मुझे अब जाना पड़ेगा नौकरी पे। नौकरी से भी तो पैसे नहीं आ रहे थे, मैंने करके तो देखी एक साल, पैसा है नहीं दिखा है किस्मत में। बहुत सारे पैसे कैसे आ गए लोगों के पास यार, लोग बड़े लुपेगा नंबर दो का इनके तो हाथ तो लग रहा है कुछ, इतने हैं तो फंस गया कुछ काम। चाहिए मुझे मोटा गुल्ला फसाना, गुल्ला ही फसाना, मोबाइल का ट्रक लूटना पड़ेगा कहीं से। ऐसा कैसे हो गया भाई, रचित सो रहा तू जग रहा, वीडियो बननी है थोड़ी सी, एडिट करेगा। सो रहा यार, मुझे सुबह जल्दी उठाना, मुझे तो सुबह बहुत सारा काम है क्योंकि कल मुझे जाना भी बाहर, कल तो मैं डेट पे ही जा रहा।